नेता जी की बात है, शांति रखना, तेरे घर का काम है क्या? शांति शांति, अरे अभी भूख लागी मत करे, जमीन बाजार तो नहीं बहुत है, मैं कहीं हाथ मत देना, हाथ मत देना। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। राजस्थान की मौजूदा सरकार के द्वारा राजस्थान के आमजन को राहत प्रदान करने के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में राज्य की जनता को बिजली के 100 यूनिट, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, महंगाई भत्ता जैसी कई योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया गया। लंबे समय से चल रहे राहत कैंपों में प्रत्येक जिले के अधिकारियों द्वारा भरसक प्रयास करते हुए लाइन के अंतिम छोर तक खड़े जरूरतमंद को राज्य की सरकार की योजनाओं के लाभ को पहुंचाने का कार्य किया गया। वहीं आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के प्रत्येक जिले में राहत कैंपों के माध्यम से मिल रही योजनाओं के लाभ से हुए लाभार्थियों से सीधे साक्षात्कार करते हुए उनसे बात की। हालांकि योजनाओं के लाभ से लाभार्थी हुए प्रत्येक जिले के नागरिक ने गहलोत सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया, लेकिन इसके दूसरी ओर सवेरे 9 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ और उसी के तहत प्रत्येक जिले में एक निश्चित स्थल का चयन कर लाभार्थियों का आमंत्रित किया गया। कई घंटों तक चले इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में श्रोता बने लाभार्थी ने घर की ओर प्रवेश करना चाहा तो उन्हें मौके पर ही बैठे रहने को कहा गया, जिसे ना मानते हुए कई लोग स्थल से बाहर जाने का प्रयास करते नजर आए, लेकिन कार्यकर्ता और अधिकारियों ने उन्हें नहीं जाने दिया, जिसको लेकर उदयपुर नगर निगम सुखाड़े रंगमंच में बनी गैलरी में कार्यकर्ता, अधिकारी और भारती आपस में उलझ गए, जहां आपस में हुई जद्दोजहद के हाथापाई तक पहुंच गई। आपको जाना है? नहीं दे रहे? अंदर से वापस आ रहे हैं, आधा विंडो में अंदर तक आ रहे हैं। बोल क्या रहे? क्या बता? ये पार्सल बांट रहे हैं, खाना वाला इधर अंदर बैठोगे, दो घंटे से अंदर बैठे हैं, अब जा रहे दो घंटे ये ना तो। हाँ, ये क्या कह रहे, पता अंदर बैठोगे तो पार्सल देंगे। हाँ, अंदर बैठ दे, सुबह से आए 11 बजे बैठे। बोलो ना, आप हमारे जाने दो, आप बोलो क्यों है, सब मेरे साथ बोलो। कई लाइन लाग रही थी, रजिस्ट्रेशन कही है, ज़्यादा भीड़ पड़ी तो फिर दो है ना। बोलो बोलो एक बार, बोलो आप, बोलो आप, बोलो तो सही। ज़्यादा भीड़ पड़ेगी जब तो आगे, अभी भीड़ भी काम है, छोड़ दो, लेते जाओ लेते जाओ। आपको भी जाना घर पर? हाँ, काम जाएंगे ना घर से, हम तो काम छोड़ दें। क्या कह रहे, जाने की रोक रहे? पार्सल दे दिया, कहाँ दे रहे हैं? बच्चों को खिलाओ के बाहर बिठा के देवे, 10 बजे के आए हम तो। ये कहीं छोटे बच्चे भूखे, ये इनको रोक रखा है कि अंदर बैठो, अंदर से तो बाहर आए ना। तो सरकार आपको इतनी राहत दे रही है, थोड़ी देर उनके लिए बैठ जाते हैं, आपको सब चीज फ्री में दे रही है सरकार, के लिए बैठोगे नहीं? बैठे ना इतनी देर, 10 मिनट। आप कितने बजे आए थे सुबह? 9 बजे के आए हैं। हम 10 बजे के आए हैं, 9 बजे का जो 9 बजे के आए हैं। अब जाने दे रहे हैं, जाओ। अबे अंदर जाने, आपको जाने नहीं दे रहे हैं? जाने दे रहे हो? आप कितने जा पर? जाने तो है बाहर। एक है नाश्ता, नाश्ता दे के भेजे, नाश्ता नहीं दे रहे। दोनों छोटे बच्चे भूखे, नाश्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? 9 बजे के बैठे हुए बच्चों को भी कुछ नहीं खिलाया? कहीं नहीं खिलाया, जाओ ना यार,
तो रखा है पीछे, आएगी तब जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा। अरे जिसको जाना है वो जाने दे, रोकना नहीं। अरे जिसको जाना वो जाने दे। अरे यार आप बोलो ना, इनको बोलो सबको, इनको क्या लग जा रहा खाने के लिए? अगर नहीं देना है मना करो, ये सब जाए बेचारे। शांति रखो, नेतागिरी की बात है, शांति रखो ना। तेरे घर का काम है क्या? शांति, अरे आखिरी भूख लग रही है, जमीन बजा नहीं।